आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ वेलकम टू डाउटनेट आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज रेक्टिफायर हाउ अ पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर सो रेक्टिफायर मींस व्हाट और और एक क्वेश्चन है जो पी एन जंक्शन डायोड होता है वो रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज़ किया जाता है ओके okay? सो so, हमें पता है जब एसी वोल्टेज का कन्वर्शन डीसी वोल्टेज में किया जाता है उसको हम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं सो व्हेन व्हेन एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज इज़ कन्वर्टेड इनटू एसी वोल्टेज कन्वर्टेड इनटू डी वोल्टेज उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन और जो डिवाइस यूज किया जाता है एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए डीसी वोल्टेज में उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर बोलते हैं ओके सो व्हाट इज रेक्टिफायर इट इज़ द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स व्हिच कन्वर्ट्स ए सी वोल्टेज इंटू डी सी वोल्टेज ए सी वोल्टेज का कन्वर्शन डी सी वोल्टेज में जो डिवाइस करता है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं रेक्टिफायर बोलते हैं सो इट इज़ कॉल्ड एज रेक्टिफायर सो उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं सो so, और एक क्वेश्चन पूछा है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज किया जाता है सो so, हमें पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर सो अब हम इधर हाफ वेव रेक्टिफायर का एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसके हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं दिस इज द डायाम ऑफ हाफ वे रेक्टिफायर वेयर टू टाइप्स ऑफ कॉल सो इधर एक प्राइमरी कॉयल का यूज किया हुआ है और एक सेकेंडरी कॉयल का यूज किया हुआ है सेकेंडरी कॉयल को एक पीएन जंक्शन डायोड एंड लोड रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है सो so, ये हाफ फेर रेक्टिफायर की डायग्राम है ओके सो इधर ये जो डायोड है वो रेक्टिफायर की तरह एक्ट होगा बिकॉज डायोड क्या करता है ओनली वन डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो होता है सो इट इज द यूनिडायरेक्शनल डिवाइस राइट सो अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा सो इन हाफ वेव रेक्टिफायर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है तब पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो पॉइंट ए है उसका जो वोल्टेज है वो हाइयर होगा एज कम्पेयर टू पॉइंट बी सो वो जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा और वो कंडक्ट होगा ओके okay? सो so और जो निगेटिव हाफ साइकल है उसके दौरान क्या होगा जो पॉइंट ए है उस पोटेंशियल जो होगा वो लोवर होगा एज कम्पेयर टू पॉइंट बी सो वो जो डायोड कनेक्ट किया हुआ है वो रिवर्स बायस में आएगा एंड वो कंडक्ट नहीं होगा वो डायोड है वो निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान कंडक्ट नहीं होता है सो करंट उस टाइम फ्लो नहीं होता है सर्किट में से सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान सर्किट में से करंट फ्लो होगा और इसमें जो आउटपुट मिलता है वो ए जो वोल्टेज हमने सप्लाई किया है प्राइमरी को वो ए वोल्टेज किस में कन्वर्ट होता है ए वोल्टेज इज़ कन्वर्टेड इंटू इट इज कन्वर्टेड इंटू डीसी वोल्टेज सो वी कैन से दैट दिस डिवाइस इज़ यूज एज अ रेक्टिफायर बिकॉज जो डिवाइस ए सी वोल्टेज का डीसी वोल्टेज में कन्वर्शन करते हैं उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं so सो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये जो डाइग्राम मैंने शो की है वो किस वो कैसे यूज़ कर सकते हैं इट इज़ ये जो डायोड है इसमें कनेक्ट किया हुआ वो पी एन जंक्शन डायोड यह है वो रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो जो डायोड है उसकी वजह से ए सी वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है सो इट इज यूज एज रेक्टिफायर दिस इज द आंसर ऑफ योर गिवन क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो सकता है डाउनलोड करे डाउट नेट ऑप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर